नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति। आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पीएचडी एडमिशन की नोटिफिकेशन आई हुई है, गुजरात स्टेट से है और जो यूनिवर्सिटी है वो स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो चलिए देखते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी है और किस तरीके से आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है और किस तरीके से इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करनी है। तो सबसे पहले हम चलते हैं गूगल की ओर। वहाँ पर आपको वेबसाइट डालनी है www.ngu.ac.in। ओके, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जाकर आपको सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो इस तरीके का पेज आपको खुला होगा। तो यहाँ पर आप पहले क्लोज कीजिए, उसके बाद यहाँ पर मैं डेस्कटॉप साइट कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए दोस्तों, ये है हमारी डेस्कटॉप साइट, मैंने क्या कर दी है और ये उसकी मेन पेज है। तो यहाँ पर आप देखिए लेटेस्ट न्यूज़ एंड इवेंट लिखा हुआ है, वहाँ पर पीएचडी एडमिशन 2020-21 लिखा हुआ, उस पर आपको क्लिक करना है। ओके, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप पीएचडी की जो पेज है उस पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का फॉर्म खुलेगा, पेज खुलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जो आपको जो चौरस बॉक्स दिखाई दे रहा है उस पर आपको क्लिक करना है, यस करना है। ओके, जैसे ही वहाँ पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको प्रोसेस टू अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर जाना है। ओके, और जैसे ही आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा, वहाँ पर आपको सारा डाटा डालना है और उसके बाद आपको उसे ओके दे देना होगा। ओके, सबसे पहले आपको यहाँ पर सारा डाटा डालना होगा। ओके, तो ये थी आपकी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस। अब देखते हैं इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम मेन पेज पर हैं, हम पीएचडी के पेज पर ही है। तो यहाँ पर आप डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो वहाँ पर आप डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट कर पाएंगे। ओके, ये देखिए ये एडवर्टाइजमेंट है और यहाँ पर लिखा हुआ एलिजिबिलिटी है। तो मास्टर डिग्री आपको 55% से मास्टर डिग्री होना चाहिए। ओके, ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी वालों को 50% होना चाहिए, यानी कि 5% उन लोगों को लाभ मिलता है। ओके, तो यहाँ पर ओपन कैटेगरी के लिए है 55% और एससी एसटी ओबीसी के लिए है 50%, ये बात आप याद रखिए। तो इस तरीके से दोस्तों आप जाइए साइट पर जाना, वहाँ पर यहाँ पर देखिए जो भी इंफॉर्मेशन अबाउट पीएचडी प्रोग्राम उसके बारे में भी दिया हुआ, फर्स्ट फेज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर पीएचडी प्रोग्राम, ये सारा आप वहाँ पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ओके, और इस तरीके से आप साइट की मुलाकात लीजिएगा और जो भी अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं कितनी सीट है उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हम बैक चलते हैं और जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट की जो मेन पेज है वहाँ पर चले जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखें नीचे एक्सप्लोर मोर न्यूज़ है, उस पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, देखिए पीएचडी गाइड इन्फॉर्मेशन विथ अलाउड सीट एंड वैकेंट सीट। तो यहाँ पर जाकर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो पीडीएफ डाउनलोड करने को बोलेंगे, उसे आप कीजिएगा। जैसे ही पीडीएफ डाउनलोड हो जाती है, देखिए आपको यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है, गाइड का नेम भी दिया हुआ है, डिज़ाइन नेशन भी दिया हुआ है, गाइड का जो डिज़ाइन नेशन होता है वो भी दिया हुआ है और ड्यू सीट भी दी हुई, अलाउड सीट भी दी हुई है। यहाँ पर ईयर वाइज अलाउड सीट है। तो आपको कहाँ पर देखना है वो कंफ्यूज ना होना, आपको डायरेक्टली लास्ट वाली कॉलम पर जाना है, वैकेंट सीट पर। जो वैकेंट सीट बता रही है वो ही आपकी सीट रहेगी। तो गाइड के हिसाब से कौन से गाइड को कितनी सीट अलाउड की गई है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो उसके आधार पर आप अपने सब्जेक्ट की सीट वहाँ पर से टोटल कर सकते हो। ओके, तो ये थी वैकेंट सीट के बारे में और गाइड के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो दोस्तों चलिए, आज की यही नोटिफिकेशन थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस पर चैनल पर जो भी नोटिफिकेशन आती है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कभी। थैंक यू।